फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, यह गाड़ी से बन सकती है, ये ऐसे और जी है किले। तो इसी का मैं इंतजार कर रहा था कि मेरी मम्मा ले आए किले को। तो मैं कह रहा था मेरी मम्मा से, ये देखिए ये लिख लिए, ये देखिए, मुझे सुनने में बहुत मजा आता है। ये देखिए, अब मैं आपको देखिए, ये है इसका बेलने वाला, बहुत सारी हैं। ये देखिए, पूरा ही निकाल देता हूँ। ये उसका काटने वाला और ये डक, मतलब बतख। अभी मैं ये टूट जाता है बार बार ऐसे और टूट ही जाता है ऐसे। अब देखिए, इसको ऐसे कर देता हूँ। ये देखिए, ये मेरी मम्मा ऐसे कर रही है। अब इसको ऐसे चिपका देंगे, थोड़ी देर में ऐसे ही चिपकाए रहेंगे, फिर ऐसे कर लेंगे। ये देखिए, इसका बन गया ना। ये देखिए, बिल्कुल ट्रिक जैसा बना है। अब मैं बतख का बनाता हूँ। तो बतख का ऐसे करना है, बेल का लो। ये देखिए, बतख भी बन गई है। ये देखिए, बतख बन गई। ये देखिए, बतख बन गई है, ये गाड़ी बन गई। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ वही दुकान, जिस दुकान से मैंने सामान अब आप लोगों को दिखाऊंगी आगे, जो यहीं से मैंने ख़रीदा है। तो आगे वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा कि मैं क्या क्या यहाँ से ख़रीद के लाई थी। तो मैंने ये थोड़ी सी क्लिप बनाई थी क्योंकि मुझे पता नहीं था। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज बैठी हूँ आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए, क्योंकि मैं कल थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी। तो होम डेकोरेशन का सामान है। तो एक शॉप है महुआ में, अच्छी शॉप है, उसका नाम है इम्प्रेशन गिफ्ट हाउस। हाँ, इम्प्रेशन गिफ्ट हाउस। मैं कार्ड रखना भूल गई थी, कार्ड रखा है, मेरे पास है। तो वहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी यूनिक चीज़ें मिलती हैं, और आपके मतलब घर से संबंधित सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएंगी। जैसे कि अगर आपको किचन से संबंधित, जैसे कि मैंने ग्लास भी लिए वहाँ पे, मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ग्लास भी मिलते हैं। मतलब जैसे कि अब लोग ये वाले, मैं दिखाती हूँ आपको, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सर्व करना होता है हम लोगों को गर्मियों में। तो ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं देखने में। ये देखिए, और भी डिजाइन थी मेरे पास। क्या है कि वो जो थोड़ा सा लंबे होते हैं ना, वो मेरे पास पहले से ऑलरेडी थे, तो मैंने ये वाले लिए और मुझे बहुत पसंद आए थे। और ठीक ठाक रेट है, मतलब अब अगर हम लोग अच्छा सामान लेने जाएंगे तो चीज़ अच्छी लेंगे तो फिर थोड़ा बहुत रेट में तो समझौता करना ही पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं था। आप हर रेट का मिल जाता है जैसा आप चाहते हैं, और महंगा चाहिए तो महंगा भी मिलेगा, और थोड़ा सा मीडियम चाहिए तो वो भी मिलेगा, तो मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा कलेक्शन अच्छा है उनके यहाँ, जो भी है बहुत अच्छा कलेक्शन रखते हैं वो। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं 2-3 बार जा चुकी हूँ, और वहां से ऐसा नहीं है कि मैं जाती हूँ तो कुछ लेके नहीं आती हूँ, खरीदती जरूर हूँ और मुझे अच्छा लगता है। तो ये ग्लास लिए थे मैंने, ये, और बेटी गई नहीं थी तो वो थोड़ा उनमें भगवान कृष्ण में ज्यादा मानती है, तो मैंने उनकी बेटी के लिए ले लिया था, ये गिफ्ट था। ये देखिए, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं कान्हा जी, तो ये लिए थे मैंने। पता नहीं साफ दिख क्यों नहीं आ रहे हैं,
ये इस तरीके से हैं, सीप में बैठे हुए हैं, ये देखिए। तो बहुत प्यारे लगे थे तो मैंने बेटी के लिए ले लिए थे, क्योंकि बेटे के लिए वो खरीदी थी मैंने उसके। आपने देखेंगे, आप देख चुके होंगे, पहले मैंने वीडियो एडिट किया है उसका, तो वो उसके लिए क्ले लाई थी मैं, उसने क्ले मंगवाई थी कि वो जो चाहे बना ले। मतलब पता नहीं क्या है बच्चों का, वो कुछ अजीब सा ही खेलते हैं आजकल के बच्चे। एक ये कान्हा जी लिए थे मैंने, और मैंने गिलास आपको दिखा दिए हैं, और मैंने ली थी ये वॉच। तो ये अभी इसमें ये गणेश जी है, ये देखिए। तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्योंकि एक मंदिर कि वहां पे मैं लगाती हूँ एक वॉच, तो वो थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो मैं वहीं के लिए लाई थी ये। ये देखिए ये इस तरीके से है, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं गणेश जी। तो एक ये, और एक मैंने ये पेंटिंग ली थी जो मुझे अच्छी लगी थी, और मैं लगाने के लिए ली थी मैंने ये। तो ये देखिए पीछे से थोड़ा सा पास से देखिए 3D लुक आ रहा है उसका, 3D लग रही है वो देखने में, जैसे 3D पेंटिंग होती है ना, उसी टाइप से लग रही है। उभरी सी डिजाइन है, उभरी जैसी बाहर को निकली हुई डिजाइन है ना। तो ये देखिए एक ये ली थी मैंने, तो मैंने इतना ही सामान लिया था वहां से, लेकिन दुकान जो है मुझे वो बहुत अच्छी लगी, अच्छी शॉप है। अगर आप लोग महोबा जाएं तो एक बार जरूर जाएं वहां पे, विजिट करें, देखें। तो ये दिखाना चाहेंगे ये। यस फ्रेंड्स, तो ये कृष्ण जी, ये देखिए माखन खा रहे हैं, ये देखिए बुरी तरीके से आप देखिए। तो वहां तो दिखाओ ऐसे, आप पीछे से देखिए। ओके फ्रेंड्स, तो इतना ही मैं लेके आई थी, और जो मैं उसके पहले लाई थी तो वो मैं आपको पहले ही वीडियो में दिखा चुकी हूँ। तो आप लोग बताइएगा कि ये कैसा लगा आपको देखने में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो भी लोग लो भी जिनको अगर कुछ अच्छा लगा हो तो जाएं महोबा। तो मैंने आपको बता दिया है कि इम्प्रेशन गिफ्ट हाउस है, तो वहाँ पे जाएं और एक बार देखें जरूर। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यूनिक चीज़ों का मुझे शौक है और मैं यूनिक चीज़ें खरीदती हूँ, तो वहाँ पे यूनिक चीज़ों का ही संग्रह है और अच्छा है। तो वैसे अपने यहाँ पे बहुत कम ही इस तरीके का देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छी दुकान लगी मुझे। गिफ्ट वगैरह है, मतलब आपको जो चाहिए हो वो मिलेगा वहाँ पे, बहुत अच्छी शॉप है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरे इससे जो मैं लाई हूँ सामान उसमें से कुछ अच्छा लगा या नहीं लगा। और अगर आप लोग रेट चाहें जानना कि क्या कितने का है तो कमेंट करके बता दें, तो मैं बता दूंगी आपको। तो ओके फ्रेंड्स, मिलेंगे कल के व्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल के कुछ अच्छे से वीडियो में। और आज क्या है कि आज रेसिपी या डेली रूटीन का कोई वीडियो नहीं है, क्योंकि आज है शीतलाष्टमी है, हमारे यहाँ शीतलाष्टमी मनाई जाती है। तो उसमें क्या होता है कि बासी खाना जो होता है वो खाया जाता है, तो रात में बना लिया था मैंने, तो रात का खाना जो था वो आज चलना है। और रोटी नहीं मतलब बनती है हमारे यहाँ आज, जो ऐसे रात में पूरी वगैरह बना के रख ली तो आज खा लेंगे, ससुराल में होता है इस तरीके से, तो मैं बनाती हूँ। और मायके में तो मैंने नहीं देखा है ना, मेरे यहाँ होता है, लेकिन ससुराल पक्ष में इस तरीके से मनाया जाता है, शीतलाष्टमी है। तो मैं तो आज डेली रूटीन का ऐसा कुछ रेसिपी इसलिए नहीं है, क्योंकि रात में ही खाना बना के रख दिया था मैंने फ्रिज में,
तो बस सुबह अपना गर्म करके खा लिया, और तो आज खाना तो नहीं बना है, तो रेसिपी भी नहीं है, आज सिर्फ यही था। तो मैंने सोचा चलिए कल की शॉपिंग दिखा देती हूँ, तो आप लोगों को कैसी लगी ये शॉपिंग तो बताइएगा जरूर। और बाय बाय फ्रेंड्स। तो ये देखिए मैंने लगा दी है ये वाली वॉच, मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो ये इस तरीके से इसका लुक आ रहा है। और ये मंदिर वाली दीवार में लगाई है मैंने, तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। एक तो वैसे भी गणेश जी की आकृति है और उसके अंदर वॉच है, और तो और मैंने इसको मंदिर में ही लगा दिया है, मंदिर वाली दीवार में, मंदिर में ही लगाया है, मंदिर से बाहर वाली दीवार में लगाया है। और ये दीवार जो है मेरी सामने से दिखती है, जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो ये दिखती है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर लगा दिया था। और मंदिर तो साइड में मंदिर है, तो सामने वाली दीवार मैंने इसको लगा दिया था। और वो जो पेंटिंग में लाई थी, तो वो पेंटिंग मैंने लगा दी है यहाँ पे सामने, ये देखिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छा ये क्या है कि इसका कलर कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल से मैच कर गया मेरे जो दरवाजे खिड़कियाँ हैं इसमें। और ये इससे पहले मैं लाई थी ये दोनों, ये सहनाई वाले और तबला वाले, ये मेंस, तो ये भी मैंने यहीं पर लगाए हुए थे। और ये देखिए खिड़की से और गेट से बिल्कुल से मैच कर गई ये पेंटिंग। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने आपको लगा के भी दिखा दी है कि किस तरीके से लग रही है दीवार पे वो पेंटिंग और वो वॉच। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी आपको। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में। बाय बाय फ्रेंड्स। और हाँ, मेरे चैनल को जो लोग नए देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन जरूर दबा दिया करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर ले और लाइक करें मेरे चैनल को। बाय बाय फ्रेंड्स।